नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव टॉक में आपको स्वागत है। दोस्तों बहुत ही एक खूबसूरत जगह पर घूमने के लिए गया था दोस्तों, मैं उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वो जगह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है। एक एक्चुअली बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट का टेम्पल है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। तो वो टेम्पल का नाम है दोस्तों गोल्डन पकोड़ा। तो नाम से ही शायद आप लोग को अनुमान हो गया होगा, ये मतलब पूरा कलर जो है ये गोल्डन कलर का है। तो देखने के लिए बहुत ही एकदम असली ये आपका सुना का जैसा लगता है देखने के लिए। और ये गोल्डन पकोड़ा का नाम जो है ये कोंगमू खाम नाम से भी ये टेम्पल को जाना जाता है। वहाँ का जो नामसाई का जो ये बड़ा पॉलिटिशियन है साउना मिन, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए गोल्डन पकोड़ा का ये टेम्पल का ये फ्रंट साइड है, ये गेट है। तो ये बहुत बड़ा फ्रंट साइड में बहुत एक बड़ा फील्ड है। यहाँ पर आप लोग अगर गाड़ी लेके आएंगे तो यहाँ पर बढ़िया से पार्किंग कर सकते हैं। तो हम लोग अभी अंदर में जाएंगे और आपको ये मास्क लगाना ज़रूरी होता है। विदाउट मास्क आपको एंट्री करने के लिए नहीं देगा। ये बाहर में एक बढ़िया से मतलब रेस्टरूम टाइप का एक बैठने के लिए इसमें बनाया है और बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन करके बनाए हैं। बैम्बू से एक्चुअली पूरा जो डेकोरेट है ये बैम्बू से बनाया है। उसका एक खासियत ये है कि एक पत्ता होता है, जैसे वो पत्ता से ये बनाया है। ऊपर का जो मतलब तीन पत्ता के अलावा इसको वो पेड़ का पत्ता से इसको बनाया है, उसका खासियत है और बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तो यहाँ पर गेस्ट के लिए यहाँ पर गेस्ट रूम का भी व्यवस्था है, उसका भी ये साइन बोर्ड में डिटेल्स दिया है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग ये अंदर में आ पहुँचा है, तो अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है उसका अंदर में आ गया है। ये देखिए बहुत सारा इन लोग का जो स्टैच्यू है, उन लोग का गॉड का जो बौद्ध धर्म का जो गॉड होता है उन लोग का ये स्टैच्यू बना कर रखा है। तो और बुद्धा का बहुत बड़ा एक स्टैच्यू भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों आज वीडियो। और ये अंदर में ये मेन टेम्पल है, ये टेम्पल का सारा और दर्जा है, किसी भी दर्जा पर आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जाकर बहुत सारा फोटो वगैरह लिया है। और ये जो फ्रंट साइड में देखिए ये लायन का ये सिंबल है। तो ये अंदर में एक बढ़िया सा एक लेक है और उस लेक का जो पानी है बहुत ही क्लीन है दोस्तों। ये अंदर तक आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर कछुआ पाल के रखा है। और ये स्टैच्यू जो देख रहा है ये बुद्धा का स्टैच्यू है, ये ड्रैगन में बैठे हुए हैं। तो ड्रैगन का अंदर में वो बैठ कर ये कुछ तो पैसा करते हुए ये मुद्रा में इसको बना के रखा है। ये पानी को देखिए कितना क्लीन लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। टेम्पल का पूरा सोहोट में बढ़िया बढ़िया फूल लगा के रखा है। ये भी एक देवियों का स्टैच्यू है। तो अभी फिलहाल मैं अंदर में जा रहा हूँ, पूरा अंदर को घुमा है दोस्तों, पूरा एरिया जो है आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये एक दूसरा एक रास्ता है मेन टेम्पल से जाकर, और दूसरा एक जगह देख सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ स्टैच्यू बना के रखा है। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, ये बुद्धा का और एक स्टैच्यू है, ये नाग में बैठे हुए है, ये बुद्धा जी विराजमान है यहाँ पर। तो एक्चुअली फिलहाल ये अभी टूरिस्ट उतना नहीं था जब कोरोना के टाइम में मैं गया था वहाँ पर, तो नहीं तो दूसरा दिन वहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता रहता है। ये मेन टेम्पल का फ्रंट साइड है दोस्तों, बहुत ही बड़ा ये आंगन है दोस्तों। ये देखिए दूर से कितना बढ़िया लगता है देखने के लिए।
तो बहुत अलग अलग वैरायटी का फूल भी यहाँ पर है। यहाँ पर मतलब जो लोग काम करते रहते हैं इसको पूरा मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारा यहाँ पर जो वर्कर्स रखा जाता है। मैं आपको ये एक दूसरा एक साइड में आ रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे पूरा मैं एक पार घूमेंगे दोस्तों। दूर में देखिए एक और एक कुछ छोटा टेंपल बना के रखा है, उसको भी मैं आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए पूरा ये ग्रास को ये मशीन से काट के रखा हुआ है, मशीन से इसको काट देते हैं, बहुत एक हिसाब से काटता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों एक ड्रैगन का ही स्टैचू है। ये कलर जो है देखने के लिए पूरा गोल्डन कलर उन लोग ये पेंट किया है, देखने के लिए पूरा सोना जैसा लगता है। कितना बढ़िया लगता है, कितना बढ़िया से इसको बनाया है। तो ये आपको अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ये तिनसुकिया जो रेलवे स्टेशन होता है, आसाम का जो तिनसुकिया रेलवे स्टेशन है, वहाँ से करीब आपको 68 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है नामसा है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। वहाँ का सोहत का अंदर में और एक टेंपल बना रहा है फिलहाल, ये अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये अभी तक टूरिस्ट के लिए रेडी नहीं हुआ है। तो ये भी बहुत बढ़िया लगेगा जब बन जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये नो एंट्री लगा कर रखा है, अभी इसमें अंदर में घुसने के लिए नहीं देंगे। जब पूरा होगा तब आप ये टूरिस्ट के लिए परमिशन मिल जाएगा जाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग अभी पूरा देख चुका है, और देखने के बाद ये वहाँ पर एक स्टेचू बढ़िया से गोल्डन कलर से बना है, ये भी बुद्धा जी का ही टेम्पल है। तो हम लोग अभी निकाल रहा है रास्ते में, वो देखिए गेट है, हम लोग निकाल के और एक बहुत बड़ा टेम्पल है। मैं आप लोग को पहले बताया था कि बहुत बड़ा एक बुद्धा जी का बड़ा स्टेचू है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो ये देखिए दोस्तों उसका सामने में ही ठीक और एक टेंपल है। तो देखिए ये देखिए दूर से कितना बढ़िया लगता है व्यू। तो वहाँ पर अंदर में मैं अभी जाऊँगा, ये देखिए अभी अंदर में आ पहुँचा है। तो आप लोग को जो मैं बोल रहा था कि एक बड़ा स्टेचू है, देखिए कितना बड़ा ये बुद्धा जी का ये मतलब टेम्पल कितना बड़ा है, और ये इसको किस मेटल से बनाया मालूम नहीं है मुझे, लेकिन ये देखने के लिए पूरा गोल्डन का जैसा लगता है। तो वहाँ पर ये डोनेशन बॉक्स है, थोड़ा वहाँ पर आप पैसा है तो पैसा दे सकता है। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लगा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।